एयर ने एनर्जी ने लंबे समय से चल रहे एक टैक्स विवाद में फ्रांस में 2 करोड़ यूरो से अधिक मूल्य की भारत की सरकारी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार हासिल कर लिया है। वी लॉस्ट द केस एंड नाउ वी हैव टू पे 166 करोड़। फ्रांसीसी न्यायाधिकरण ने सेंट्रल पेरिस में लगभग 20 संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश दे दिया है। देश के अंदर तो कोई भी मीटर बैठा, रेल बेच दिया, एयरलाइंस बेच दिया, बैंक बेसरकारीकरण कर दिया, किसके लिए किसके साथ बट बाहर। अपने फैसले में न्यायाधिकरण ने कहा कि केयर्न के खिलाफ की गई प्रवर्तन कार्रवाई के एवज में उसे 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर का हर्जाना ब्याज और लागत के साथ दिया जाए। हाउ द प्रॉपर्टी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विल बी सीज्ड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले का सीधा मतलब ये है कि अगर भारत सरकार केयर्न को भुगतान नहीं कर पाती है तो कंपनी को 160 से ज्यादा देशों में भारत के स्वामित्व वाली संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार होगा। चचा, देश के अंदर धूम मचा ही रहे, कभी पीएम केयर्स फंड समझ में नहीं आता, कभी राफेल समझ में नहीं आता। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए।